भागीदारी पार्टी पीके तत्वाधान में एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन। तो आइए देखते हैं अजय कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। भागीदारी पार्टी पीए के तत्वाधान में जिला मुख्यालय वाराणसी में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन में न्यायालय द्वारा पिछड़ों का आरक्षण समाप्त किए जाने के संबंध में बुधवार को अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन दिया गया। कचहरी वरुणा पुल स्थित शास्त्री घाट पर विशाल धरना प्रदर्शन में भागीदारी पार्टी पीके जिला अध्यक्ष राजेश कुमार प्रजापति ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आगामी नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत सामान्य निर्वाचन 2023 में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर पिछड़ों के लिए आरक्षण में वर्गवार आरक्षण की व्यवस्था के पश्चात ही नगरीय निकाय चुनाव कराया जाए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राजेश कुमार प्रजापति, भागीदारी पार्टी पी के लोकसभा सांसद प्रत्याशी देवेंद्र कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश कुमार प्रजापति, प्रजापति जिला उपाध्यक्ष शिव कुमार प्रजापति, इस क्रम में जी उतलाल प्रजापति रोहनिया, विधानसभा अध्यक्ष अखिलेश कुमार प्रजापति, सेवापुरी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार प्रजापति, अजगरा विधानसभा अध्यक्ष अवधेश कुमार प्रजापति, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार प्रजापति, रोहनिया विधानसभा सलाहकार होरी लाल प्रजापति, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष संजना यादव, रोहनिया विधानसभा उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार प्रजापति, अजगरा विधानसभा महिला मोर्चा अध्यक्ष कल्याणी गुप्ता, व्यापार मंडल अध्यक्ष कन्हैया लाल प्रजापति, सुभाष प्रजापति, कृष्णा पाज प्रजापति, सतीश प्रजापति, रोहनिया विधानसभा उपाध्यक्ष श्रवण कुमार प्रजापति, ग्राम अध्यक्ष ब्रजेश प्रजापति, सियाराम प्रजापति, माता प्रसाद प्रजापति, घनश्याम प्रजापति, रोशन प्रजापति, अवधेश कुमार प्रजापति, डॉक्टर शिव कुमार प्रजापति, सोमनाथ प्रजापति, नीलेश कुमार प्रजापति, जिला महासचिव राजेंद्र प्रजापति, चोलापुर ब्लॉक अध्यक्ष विजय प्रजापति, सेवापुरी विधानसभा उपाध्यक्ष राजकुमार प्रजापति, सेवापुरी ब्लॉक अध्यक्ष संदीप कुमार प्रजापति सहित सैकड़ों प्रदेश और जिले के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। भागीदारी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भागीदारी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय प्रेमचंद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भागीदारी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जातिवाद जनगणना लागू करो, लागू करो, लागू करो। जातिवाद जनगणना लागू करो, लागू करो, लागू करो। प्रेमचंद प्रजापति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भागीदारी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरक्षण हमारा अधिकार है, आरक्षण हमारा अधिकार है, अधिकार है। आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। आरक्षण हमारा अधिकार है, अधिकार है। आरक्षण बचाओ, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार हमारी बातों को सुनो, हमारी बातों को सुनो। हमारा आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। हमारा आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। हमारा आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। प्रेमचंद प्रजापति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भागीदारी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा आरक्षण लागू करो। मैं भागीदारी पार्टी की पूर्वांचल प्रदेश सदस्य देवेंद्र कुमार प्रजापति। आज यहाँ किस प्रकार का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आपके द्वारा? सर, यहाँ हम लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो आरक्षण को लेकर के कर रहे हैं। किस प्रकार, क्या यहाँ आरक्षण जो हमारे जो अभी हम लोगों का आरक्षण जो है यहाँ हाईकोर्ट में जो मामला गया उसमें इनके आला अधिकारी ये शासन प्रशासन से लेकर के पूरी इनकी सरासर गलत है। ये न तो सर्वे किए, ना ही आरक्षण के बारे में पूरी ज्ञापन दिए, ये सही तरीके से मुद्दा उठाया नहीं। जो मामला हम लोगों का हाईकोर्ट में चला गया, हाईकोर्ट से मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ सरकार केवल जो है एक दूसरे पे तीखी तिरछी वार कर रही है, लेकिन हमारे मुद्दों को कोई सुनने वाला नहीं है। आज आरक्षण को छीना जा रहा है। आरक्षण जो अब हमारा ये कहते हैं कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक की मुद्दा उठाते हैं, तो हमको समानता का अधिकार कहाँ मिल रहा है? क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि हम लोगों का जो आरक्षण है उसको छीना न जाए। मैं यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहता हूँ, माननीय योगी और मोदी जी से और यहाँ के डीएम साहब को हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि हम लोगों के आरक्षण से छेड़छाड़ मत करिए, नहीं पूरे हिंदुस्तान में इसका जो है जन सैलाब होगा। योगी जी का तो कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा वो मान्य होगा। देखिए, इसके पहले ये कहते थे कि हम आरक्षण के लिए यहाँ से लेके गए हुए हैं। आरक्षण की मैं बात करूँगा,
अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं हम सामान्य सीट पे चुनाव कराएंगे तो ये हम लोगों के अधिकार का हनन होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे। ये समानता की बात करते हैं, एक को गिरा रहे हैं एक को उठा रहे हैं, तो समानता की बात कहाँ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा था कि जो समानता है, समानता आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक स्थिति से सबको एक समान मिलना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे लोगों के आरक्षण अति पिछड़ा पिछड़ा अति अनुसूचित जाति को यह गिराने का प्रयास कर रहे हैं। अभी यहाँ से कुछ भी निर्णय आएगा उस पर करा देंगे तो जबरदस्ती है, सरकार कुछ भी करा सकती है, सरकार बिना आरक्षण का सरकार बना सकती है, बिना आरक्षण दे के बना सकती है, इनके हाथ में वीटो ऑफ पावर है। आगे आप लोग के द्वारा क्या किया जाएगा? हम लोगों के आगे द्वारा अगर आरक्षण सही तरीके से सुनिश्चित नहीं किया गया, हमारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई, तो पूरे आज हमारा एक दिवसीय कार्यक्रम है, हम डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे और देश के प्रधानमंत्री जी को देंगे, और अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो भागीदारी पार्टी के तत्वाधान में पूरे उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालयों का और बहुत तरीके से जो है हम लोग पूरे जनाधार के साथ वहां धरना प्रदर्शन करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो विधानसभा का भी घेराव करने का काम करेंगे। आपकी पार्टी की तरफ से बनारस में ही किया जा रहा है या हमारे पूरे 75 जिले में एक दिवसीय कार्यक्रम है पूरे जिले मुख्यालयों पे। आज देखेंगे कि हमारे पूरे जिले मुख्यालयों पे हमारे एक एक जिला अधिकारी, जिला हमारे अध्यक्ष, हमारे पूरे क्रांतिकारी नेता जो है एक दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं और सभी लोगों को आज एक ही दिन में पूरे 75 जिलों में जो है ज्ञापन दिया जा रहा है।